फेलियर था। एक न्यू टेस्ट और न्यू जगह के साथ हम हाजिर हुए मास्टर बिरयानी पे। मास्टर बिरयानी इनकी एक बड़ी ऐसी हाई फूड थी कि कराची का जो टेस्ट है ऑथेंटिक बिरयानी का वो लाहौर में इन्होंने मुतारफ करा दिया। उस टेस्ट को चेक करने के लिए हम आए लाहौर की जो बिरयानी है ऑलमोस्ट मैंने सारी ट्राई की हुई है फेमस ट्राई करते हैं। इनका टेस्ट उनसे अलग है कि नहीं है। इनकी लोकेशन की बात करूँ मार रोड से बिडन रोड की तरफ आती है तो कॉर्नर में इनकी दुकान है मास्टर बिरयानी, तो भी यहाँ चेक करते हैं। पूरी की तरह फ्राई होगा चिकन चटनी डो ये चटनी है स्पेशल। ये है चिकन बिरयानी और ये मंगाया है हमने पिज़्ज़ा कबाब वाला पराठा, पिज़्ज़ा कबाब पराठा और ये दूसरा मलाई चटनी कबाब मलाई चटनी पराठा। ये सबसे पहले मेन डिश की बिरयानी है तो पहले बिरयानी ट्राई करेंगे जो इसकी वो आ रही है उससे तो लग रहा है कि टेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा बाकी ट्राई करके पता लगेगा। स्पाइसी नहीं लगवाई बेसिकली कराची की स्पाइसी बहुत स्पाइसी होती है तो फिर नॉन स्पाइसी लगवाई। पहले बिरयानी चेक करते हैं इतनी स्पाइसी सीधा नाक पे चढ़ गई मिर्च नहीं देख रहा चेक करना पड़ेगा। जो स्पाइस है ना स्पाइसी के हिसाब से जो जिस तरह की बातें सुनी है कराची की बिरयानी स्पाइसी उस हिसाब से भी मैच कर रही है। बाकी जो लाहौर की दूसरी बिरयानी है बेसिकली लाहौर में बिरयानी क्या मिलती है पुलाव ज़्यादा मिलता है और लाहौर की जो दूसरी बिरयानी है ना उनकी इस वजह का टेस्ट थोड़ा लेते हैं उनसे और चावल बेसिकली वो एक्सलेंट बिरयानी बनती है ना बहुत नरम हो जाते हैं चिपक जाए थोड़े से बिरयानी के टेक्सचर वाले हैं खरे खरे चावल और मज़े क्या है टेस्ट डिफरेंट है इस तरह का टेस्ट पहली बार खाया बिरयानी में मज़ा आ रहा है और ये भी नॉन स्पाइसी है और इतनी इसमें मसाला इतनी मिर्ची है स्पाइसेस यानी कि ऑथेंटिक कराची की नहीं कह सकते सिमिलर कह सकते हैं कराची के जो ऑथेंटिक बिरयानी से सिमिलर कह सकते हैं। बाकी मज़े की है बाकी भी दूसरा और पराठा ट्राई करते हैं मलाई चटनी पराठा और ये दूसरा पिज़्ज़ा कबाब पराठा पहले ये ट्राई करते हैं इनका स्पेशल लग रहा है थोड़ा सा ये ट्राई करते हैं। मैं चेक करें कितना लोडेड है प्लास्टिक बैग चटनी है चटनी को मजा मिलेगा इसकी ओपनिंग में
अभी दूसरा खोलते हैं। इसकी फीलिंग थोड़ी सी कम है, बाकी अभी चेक करते हैं इसको ऐसे ही। पराठों का आपने कंपैरिजन किया है ना, जो पिज्जा कबाब पराठा वो ज्यादा मजे का है, और जो मलाई कबाब मलाई टिक्का वाला है उसको थोड़ा ना चिकन जो है हीटर है या क्या है थोड़ा सा ना कच्चा कच्चा सा है, इतना कच्चा नहीं खाने काबिल है, हार्ड है हल्का से ही कह सकते हैं। भाई जो पहले का है ना पराठा पिज्जा कबाब पराठा वो मजे का, और बिरयानी भी वो मजे की, खा के फिर मिलता है आपसे करते हैं। फाइनली खाना खा के तो हम फारिग हो चुके हैं, जो बिरयानी का टेस्ट था ना ऑथेंटिक, इसे सिमिलर कह सकते हैं कि नॉर्मली जो मैंने ऑलरेडी बिरयानी खाई है ना पहले, उसकी नस्बत चेंज था और मज़े की बिरयानी है। स्पाइसी अभी हमने नॉन स्पाइसी खाई थी, इसमें इतना स्पाइसी था और सीना आना शुरू हो गया, अंदर बैठे पंखे वगैरह चल रहे हैं, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, सीना आ रहा है, इतना स्पाइसी था अभी नॉन स्पाइसी में। और ऑथेंटिक में बिरयानी कराची चेक नहीं करेंगे, नॉर से जो है डिफरेंट है और ऑथेंटिक से सिमिलर कह सकते हैं। ओवरऑल रेटिंग की बात करें बिरयानी की तो 8.5 आउट ऑफ 10 बेहतरीन है, और उसके अलावा एक उनका रोल था पिज़्ज़ा कबाब पराठा, हाँ वो बहुत मिलेगा, वो तो मैंने पहली इसकी जो बाइट की है ना इतना उसने मुँह में मजाक आया, उसके अलावा स्वाद और जो उसमें जूसीनेस थी बहुत मजेगा था। और उसकी रेटिंग करें 9 out of 10। और एक और मलाई बोटी रोल था पराठा, वो मज़े का था, उसकी रेटिंग 7 out of 10 थी, लेकिन वो ना थोड़ा सा कच्चा था या हीटर हो गया था, नहीं था उसको चबाना पड़ रहा था काफ़ी। और रेटिंग ये है, और बिरयानी मेन डिश की बिरयानी है, बिरयानी की रेटिंग और रिव्यू आपसे मैंने शेयर किया है, मज़े की है, ऑथेंटिक से सिमिलर है, बिल्कुल जेन्युइन जो प्राची बिरयानी उस तरह की नहीं है। बाकी ये थी आज हमारी छोटी सी वीडियो, अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, फिर मिलेंगे आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।